हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए एक साईफाई स्पेस मूवी लेके आई हूँ, इवेंट होराइजन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अभी साल है 2040। इंसानों ने काफी तरक्की की है और काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उन्होंने इवेंट होराइजन नाम का एक स्टारशिप बनाया था और उसमें एक आर्टिफिशियल वॉर्म होल तैयार करने की कैपेसिटी थी, जिसके कारण इवेंट होराइजन ये स्पेसशिप लाइट ईयर्स की दूरी को कुछ ही घंटों में पूरा कर सकती थी। और उसी के चलते एक मिशन क्रू को इवेंट होराइजन के मिशन पे भेजा गया। उन्हें प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाना था। जब ये क्रू नेपच्यून तक पहुंचा तब उन्होंने अपना वॉर्म होल को शुरू किया, लेकिन वॉर्म होल को जैसे ही शुरू किया अचानक से ये पूरा का पूरा स्पेसशिप ही गायब हो गया था। अब ये कहानी थी 2040, उसके 7 साल बाद, यानी कि 2047 में अचानक से इवेंट होराइजन ये स्पेसशिप वापस से उसी जगह यानी नेपच्यून के जगह पे प्रकट हो गया था। ये स्पेसशिप और उसका क्रू पिछले 7 साल से कहाँ था इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब मूवी शुरू होती है तब हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं। इन्होंने ही इवेंट होराइजन ये स्टारशिप बनाया था, लेकिन इस मिशन के चलते उनके पत्नी का देहांत हो गया था, जिसके गुजरने के बाद वो काफी गिल्टी महसूस करने लगे थे क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी को उनके आखिरी समय में इग्नोर किया था और इसी के कारण उन्हें अपने पत्नी के विजन आया करते थे। डॉक्टर विलियम एक दूसरे स्पेसशिप में होते हैं। उन्हें इवेंट होराइजन के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया था। इनके साथ एक क्रू को भी डिस्पैच किया जाता है। इस क्रू में कैप्टन मिलर, सेकंड हैंड कमांडर लेफ्टिनेंट स्टार्क, पायलट स्मिथ, मेडिकल टेक्नीशियन पीटर, इंजीनियर जस्टिन, डॉक्टर डीजे और रेस्क्यू टेक्नीशियन कूपर, ये सारे लोग होते हैं और उन सबको हाइबरनेट करके उनके उनके चेंबर में स्लीपिंग पॉड में डाला जाता है। अब कुछ दिनों के सफर के बाद डॉक्टर विलियम अचानक से जग जाते हैं और पायलट के जगह पे उन्हें अपने वाइफ दिखाई देती है। अपनी वाइफ का डरावना रूप देखकर डॉक्टर विलियम काफी डर जाते हैं और चीखने लगते हैं और इसी सदमे के साथ वो अचानक से उठ जाते हैं। वो अभी भी स्लीपिंग पॉड में ही होते हैं। अब एक एक करके सारा क्रू जग जाता है। वे लोग नेपच्यून के करीब पहुंच गए थे। अब यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर विलियम सारे क्रू को उनकी जानकारी देते हैं कि हमें इवेंट होराइजन नाम के स्टारशिप जो 7 साल पहले गायब हो गया था उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये मिशन दिया गया है। अब ये बात सुनते ही सारा क्रू नाराज हो जाता है क्योंकि उन्हें अब इस मिशन की गहराई के बारे में पता चलता है कि ये खतरनाक मिशन है और तो और उनकी सारी क्रिसमस की छुट्टियां भी खराब हो जाएंगी। कैप्टन मिलर सबको शांत कराता है और विलियम उन सबको बताता है कि स्टारशिप में दरअसल वॉर्म होल को पैदा करने की भी पावर थी और अचानक से स्पेसशिप वापस कहां से आया है और क्रू कहां है इसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब आगे चलकर ये लोग स्टारशिप से मिले हुए डिजिटल सिग्नल को प्ले करते हैं कि उसमें एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई देती है जिसका ट्रांसलेशन लैटिन में ये था कि मुझे यहाँ से फ्री कर दो, यानी कि वहाँ पे कुछ तो खतरनाक हुआ था क्रू के साथ। अब थोड़े समय के बाद ये लोग इवेंट होराइजन के पास पहुँचते हैं जो बहुत ही बड़ा था। वो शिप को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आता और उन्हें कोई भी लाइफ फॉर्म डिटेक्ट नहीं होता। अब इवेंट होराइजन पे ये लोग जाने का फैसला करते हैं जिसमें डॉक्टर विलियम, इंजीनियर जस्टिन और टेक्नीशियन पीटर चले जाते हैं। एंटर करने पर पूरा शिप काफी सुनसान और हॉन्टेड लगता है। इवेंट होराइजन काफी बड़ा रहता है और उसके दो अलग अलग हिस्से रहते हैं जिसके बीच में काफी बड़ा एक्सप्लोजिव होता है। इमरजेंसी में शिप के दोनों हिस्सों को अलग अलग कर सकते हैं और दूसरे हिस्से को एज ए एस्केप वेसल की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब शिप बड़ा होने की वजह से टीम स्प्लिट हो जाती है। जस्टिन शिप के कोर ग्रेविटी रूम में जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं काफी बड़ी रोटेटिंग रिंग्स होती है। वही पीटर शिप के ब्रिज के हिस्से में चला जाता है। यहाँ पे जाते हुए हम देखते हैं एक ब्रिज का हिस्सा पूरे खून में लथपथ होता है। आगे चलने पर उसे एक क्रू मेंबर की डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। वही जस्टिन शिप के मेन कोर में जाता है जहाँ पे वो स्पीयर दिखाई देता है जो अभी भी फंक्शन कर रहा था और इसी के वजह से शिप वर्म होल क्रिएट कर सकता था ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पे किसी अनजान कारण से वो स्पीयर अपने आप ट्रिगर हो जाता है और ग्रेविटी स्पीयर से तेज रोशनी निकलने के बाद उसमें कुछ ब्लैक लिक्विड लेयर दिखाई देता है। अब यहाँ पे जस्टिन उसे छूने के लिए जाता है और वो ब्लैक लिक्विड की लेयर उसे अपने अंदर खींच लेता है और जस्टिन उसमें चला जा रहा था और उसके बाद उस ग्रेविटी स्फीयर से एक शॉक वेव निकलती है जिसके कारण इवेंट होराइजन और बाहर इनकी जो मेन शिप होती है उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है और इसी के कारण कैप्टन मिलर और उसके बाकी के लोगों को उनके शिप को छोड़कर इवेंट होराइजन में ही आना पड़ता है। यहाँ पे जस्टिन को देखते हैं जो अभी भी वो एक सेफ्टी वायर से कनेक्टेड था। तभी कैप्टन मिलर वहाँ पे आते हैं
है और जस्टिन को नीचे खींच लेते हैं, जिसके बाद ये लोग इवेंट होराइजन शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी और ऑक्सीजन सप्लाई को ऑन करते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 20 घंटे का ही ऑक्सीजन है, इसीलिए वो अपना जो मेन शिप रहता है उसे ठीक करने के लिए लगते हैं। अब यहाँ पे इनकी एक मीटिंग होती है जानने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तभी कूपर बताता है कि जो ग्रेविटी स्फीयर था वो अपने आप शुरू हुआ था और उसी के चलते जस्टिन एक डार्क एंटिटी में खींचा चला गया था। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी को और अपने आप ट्रिगर नहीं हो सकता। लेकिन तभी कैप्टन कहते हैं कि शायद ये मशीन अपने आप किसी कारण से ट्रिगर हुई होगी, जिसके कारण एक दूसरे डायमेंशन का यानी दूसरे दुनिया का रास्ता खुल गया होगा। वो एक पोर्टल था जिसमें जस्टिन चला गया था। कैप्टन मिलर ये डिसाइड करते हैं कि जो ग्रेविटी कोर की जो मशीन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। यहाँ पे सब लोग अपने अपने मिशन पे काम कर रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ चीजें अजीब होने लगती है। उन्हें हेलुसिनेशन होने लगता है, जैसे पीटर को अपना बेटा जख्मी हालत में दिखाई देता है और ऐसे ही काफी लोगों को अजीब अजीब विजन आने लगते हैं, जिसके कारण अब कैप्टन इवेंट होराइजन का जो पहला क्रू था उसका वीडियो ब्लॉग चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है जब पिछले क्रू ने ग्रेविटी स्फीयर को ट्रिगर किया था तभी अचानक चीखों के साथ वो वीडियो बंद हो जाता है। अब तभी इनके सारे पावर्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर विलियम टनल में एक फिक्स करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें अपने वाइफ के हॉन्टिंग विजन आने लगते हैं। वही हम जस्टिन को देखते हैं जो पूरा पैनिक हो जाता है और सबको बताने लगता है कि द डार्क आने वाला है, तुम सब लोग मारे जाओगे, और उसके बाद अचानक से वो बेहोश हो जाता है। इतने में ही कैप्टन मिलर को अपना एक पुराना क्रू मेंबर जलते हुए नजर आता है। ये वो क्रू मेंबर था जिसे एक फायर एक्सीडेंट के चलते कैप्टन को उधर ही छोड़ के आना पड़ा था। अब यहाँ पे क्रू मेंबर्स में आपस में बहस होने लगती है कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। तभी उन्हें शक आता है कि शायद ये शिप जिस भी किसी दुनिया में गई थी पिछले 7 साल से, वहां से आने पर कुछ डार्क पावर या डार्क एंटिटी अपने साथ लेकर आई है जो उनके दिमाग के साथ अब खेल रही है। अब यहाँ पे पीटर के सामने जस्टिन की बॉडी गायब हो जाती है और तभी वापस से एक और पावर आउटेज ट्रिगर हो जाता है, जिसे देखकर पीटर कंट्रोल रूम में भागती है और तभी कोई एंटिटी उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। डॉक्टर विलियम जो हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं वो उस दरवाजे को खोलने वाले होते हैं कि तभी लेफ्टिनेंट आके उन्हें रोक लेती है। इसके बाद हम जस्टिन को देखते हैं जो बार बार उस डार्क एंटिटी के कारण हिप्नोटाइज हुआ था। उसे बहुत ही डरावने विजन आ रहे थे, इसीलिए वो सुसाइड करने जाता है और खुद को स्पेस में रिलीज कर देता है। लेकिन तभी कैप्टन मिलर आके उसे स्पेसशिप के अंदर ले लेते हैं और सब लोग जस्टिन को बचाने के लिए जाते हैं। उसे स्टैटिक स्टेज में डाल दिया जाता है। वही दूसरी जगह वही डार्क एंटिटी डॉक्टर विलियम पर हावी होने लगती है और तभी कैप्टन मिलर को लगने लगता है कि स्टारशिप जब 7 साल गायब थी तब किसी दूसरे दुनिया में वो प्रवेश कर गई थी और उसके साथ अब एक ऐसे एंटिटी के साथ वो लौटा है जो ये एंटिटी अपने शिकार को उनके डरावने सीक्रेट को पढ़कर उन्हें डराती है ताकि वो सारे लोग एक एक करके सुसाइड करे। इसके बाद जो डॉक्टर डीजे रहता है वो भी रिवील करता है कि जो सिग्नल उन्हें पहली बार मिले थे जो उन्होंने डिकोड किए थे वो गलत थे। उसका लैटिन ट्रांसलेशन मुझे मुक्त करो ये नहीं था बल्कि खुद को नरक से बचाओ, ये ट्रांसलेशन था। और वो ये थ्योरी शेयर करता है कि ये स्पेसशिप जिस काम के लिए बनाई गई थी यानी कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करने के लिए वो ये काम कर रहा है, लेकिन वर्म होल ओपन होने के कारण वो एक दूसरे डायमेंशन का गेटवे खोल रही है और ये दूसरा डायमेंशन ये दूसरी दुनिया और कोई नहीं बल्कि हेल है। यानी कि स्पेसशिप का वर्म होल हेल का गेटवे ओपन कर रहा है और इसी दरमियान उन्हें पता चलता है कि उनकी जो मेन शिप है वो अभी ठीक हो गई है, यानी यहाँ से वो अब जा सकते हैं। उसी दरमियान पिछले क्रू का जो वीडियो रहता है जो खराब हो गया था वो भी इसे ठीक कर लेते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं वर्म होल ऑन करने के बाद जब शिप गेटवे में जा रही थी तो सब अचानक से अनजान कारण से एक दूसरे को मारने लगे थे। अब यहाँ पे कैप्टन मिलर शिप का सारा डेटा लेकर इवेंट होराइजन शिप को डिस्ट्रॉय करके अपने शिप में लौट जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विलियम इन सब के खिलाफ थे। वो उस डार्क एंटिटी के
चपेट में आ गए थे और उन्हें बार बार अपनी वाइफ दिखाई दे रही थी और कह रहे थे कि मैं अपने वाइफ को इस बार अकेले नहीं छोड़ूंगा, उन्हें इधर ही रहना था। यहाँ पे हम देखते हैं स्मिथ और पीटर बचे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर गैदर करने के लिए लगते हैं। तभी पीटर को वो डार्क एंटिटी उसके बेटे का विजन दिखा देती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है और उस एंटिटी की तरफ जाते हुए पीटर एक हाइट से नीचे गिर कर मारी जाती है। यहाँ पे डॉक्टर को वापस अपनी पत्नी के विजन आने लगते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनकी पत्नी ने रिस्ट काट कर अपनी जान ले ली थी क्योंकि वो काफी अकेली हो गई थी। और यहाँ पे उनकी लेट वाइफ होती है वो उन्हें हेल के उसे डायमेंशन में इनवाइट कर रही थी, जिससे हिप्नोटाइज होकर डॉक्टर विलियम अपनी आंखें निकाल लेते हैं और इसी स्टेट में वो जो मेन शिप रहती है जिससे ये लोग आए थे उसे ब्लास्ट कर देते हैं ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना पाए, जिसमें स्मिथ मारा जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर विलियम डीजे को अपना अगला शिकार बनाते हैं, वो मारा जाता है और उसके बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करके डेकोरेशन की तरह लगा देते हैं। अब यहाँ पे कैप्टन डॉक्टर विलियम को मारने का सोचता है पर तभी वो देखते हैं ब्रिज पर स्टार्क जख्मी हालत में थी और उसे सहारा देने के लिए जाते हैं, लेकिन यही मौका देखकर डॉक्टर ग्रेविटी स्पीयर को ऑन कर देते हैं ताकि एक बार फिर से ये शिप हेल के गेटवे में चली जाएगी। जिसके बाद डॉक्टर विलियम कूपर को अपना शिकार बनाने का कोशिश करते हैं जो कि असल में शिप के बाहर होता है और वो उसे शूट करते हैं, जिसके कारण शिप में बहुत बड़ा होल होता है की वजह से सभी स्पेस में खींचे चले जाते हैं। लेकिन सब लोग किसी न किसी चीज को पकड़ लेते हैं लेकिन आखिरी में डॉक्टर विलियम बाहर खींचे जाते हैं और मारे जाते हैं। वही स्टार्क और कैप्टन ब्रिज रूम से एस्केप करके चेंबर को सील कर देते हैं। अब यहाँ पे तीनों लोग ही बचे थे, कैप्टन मिलर, स्टार्क और कूपर। तीनों को पता चलता है कि ग्रेविटी ड्राइव को रोका नहीं जा सकता, इसीलिए कैप्टन उसी रूम में लगे हुए एक्सप्लोजन से ग्रेविटी चेंबर को अलग करने का सोचते हैं ताकि वो शिप के दूसरे हिस्से से यानी जहाँ पे एस्केप पोर्ट थे वहाँ से निकल सके। और इसी तरह ये लोग शिप को रेडी करने के लिए जाते हैं लेकिन किसी अनजान कारण से पूरे शिप में खून आने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन भी एक्सप्लोजिव को ऑन करने में सफल हो जाता है पर डिटोनेटर लेकर दूसरे चेंबर में भागने से पहले ही उन्हें वापस से हैलुसिनेशन होने लगता है और वो जलती हुई फिगर इनके ऊपर हमला करती है। उस हैलुसिनेशन से बचने के लिए वो ग्रेविटी कोर में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें उस फिगर में डॉक्टर विलियम नजर आने लगते हैं जो बताते हैं कि दरअसल स्पेस में जाने के बावजूद इस स्पेसशिप ने उन्हें बचाया है। आगे वो कहते हैं कि ये शिप हेल के डायमेंशन में जाके रहेगा अपने नए क्रू के साथ। अब यहाँ पे डॉक्टर विलियम कैप्टन को उनके बाकी मरे हुए क्रू के विजन दिखाने लगते हैं कि वो हेल में कैसे तड़प रहे हैं, लेकिन तभी कैप्टन ग्रेविटी ड्राइव के ट्रिगर होने से पहले ही खुद को सैक्रिफाइस करके सही समय पर डिटोनेटर को ट्रिगर कर देते हैं, जिसके कारण शिप में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसके दो हिस्से हो जाते हैं और कूपर और स्टार्क एस्केप पोर्ट के मदद से शिप से दूर जाने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ये शिप देखते ही देखते अचानक से एक दूसरे डायमेंशन में वापस से चली जाती है और कैप्टन और विलियम उस शिप के साथ साथ वर्म होल के थ्रू उस डायमेंशन में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जस्टिन को भी स्टैटिक में रखा होता है, उसी के साथ साथ ये दोनों भी स्टैटिक में चले जाते हैं और 72 दिन के बाद इन्हें धरती से लेने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन रेस्क्यूर का हेलमेट खुलते ही वो इविल डॉक्टर विलियम नजर आता है, जिसे देखकर स्टार्क बहुत ही पैनिक करने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये उसका सपना था, उसे असल में लोग बचाने के लिए आए थे। और मूवी के अंत में शिप का डोर बंद होते हुए दिखाई देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है, यानी दो लोग इस ऑपरेशन में बच जाते हैं। ये मूवी आप Amazon Prime में देख सकते हो। बाय बाय।